अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिर से और एक नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज का वीडियो है ना, मैं अपनी बालकनी को ना थोड़ा सा क्लीन करूँगी। ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। एक्चुअली यहाँ पर ना मैं कुछ पौधा जो रखती हूँ ना, इससे ना जब भी मैं पानी डालती हूँ तो नीचे से ना ये ऐसे मिट्टी लग जाता है। और काफ़ी दिन हो गया था क्योंकि मैं अपने घर गई थी और घर से आने के बाद देख रही थी कि मेरी ना बालकनी का ना एकदम हालत ख़राब हो गया है। तो सोचा ये थोड़ा क्लीन कर दूँ और आप लोग के साथ फिर से एक वीडियो भी शेयर कर दूँगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ना मैं जो अभी कुछ नहीं लगाया है, बस एक एलोवेरा का पौधा है और ये ना थोड़ा टमाटर का पौधा है ना, वो मैं ना आज ऊपर लगा लूँगी, तो इसलिए ये लेकर जाऊँगी अभी ऊपर। और ये एलोवेरा का पौधा मैं यहाँ पर रखती हूँ, मैं ये ऊपर नहीं लेकर जाती, मैं सब हर वक्त ना ये यहाँ पर ही रहता है। और जब भी मेरा कोई भी ज़रूरत होता है तो इससे ना मैं थोड़ा सा लेती हूँ। तो ये वाला ना कार्टून मैंने यहाँ पर रखा है, ये ना कुछ काम आ जाएगा, इसलिए मैंने ये सोच कर यहाँ पर रखा था। और यहाँ ना अभी मैं देख सकते हैं नीचे ना जो था मिट्टी वगैरह वो मैंने क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं। और उसके बाद ना मैं अभी ना वो पूरा मतलब बालकनी अभी क्लीन नहीं हुआ है, पूरा वीडियो आप देखिए। तो ये ना एक जो रखा था ना ये मैं फेंक दूंगी। और यहाँ मैं अभी भूल गई थी ना वीडियो आधा, मैंने मुझे लग रहा था वीडियो हो रहा है लेकिन वीडियो नहीं हुआ था। तो देख रहे हैं मैंने आधा साफ़ कर चुकी थी। यहाँ से ना पानी गिर कर ना ये इतना गंदा सा हो गया था, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतना तक मैंने क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो यह अभी ना ये वाला भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो हो गया है मेरा पूरा बालकनी क्लीन, एकदम क्लीन हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और गंदा जब ताना घर से आकर देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो अभी मेरा क्लीन भी हो गया है और मैंने ना अभी थोड़ा कपड़ा यहाँ पर सुखाने के लिए भी रख दिया है। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ, देख सकते हैं ये टमाटर का पौधा जो है वो भी मैं लेकर आई थी, तो यहाँ पर मैं इसको भी लगा दूँगी, देख सकते हैं। और मेरी इनाया को ना मैंने ऊपर लेकर आ गया था और उसके वॉकर पर मैंने रख दिया, तो वो भी खेल रही है ऊपर और मैं यहाँ पर अपना जो काम है वो भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अगर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए ना प्लीज़ तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ मेरे ना और एक पर्सल आ गया था, तो सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने ना अपनी इनाया के लिए ना एक पानी का ना बॉटल जो है ना वो ऑर्डर किया था, लेकिन ना थोड़ा सा ये जो कि टूटा हुआ आया है, देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना जो पकड़ने का ना जो स्टैंड होता ना वो ख़राब आ गया है। तो ये छोटा सा प्रोडक्ट फिर से रिटर्न करना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़ देते उसको, अभी ये रख देते, ये काम आ जाएगा और ये थोड़ा हम अपने आप से भी ठीक कर देंगे, तो इसीलिए मैंने रिटर्न नहीं किया। और शाम का टाइम हो गया था तो इधर मैं इनाया को लेकर डॉक्टर के पास आ गई थी, तो ये थोड़ा सा रेगुलर चेकअप के लिए हम लोग आए हुए थे। देख सकते हैं मेरी नया कितनी आराम से सोकर डॉक्टर को दिखा रही थी। तो अभी लौटने का टाइम ना शाम 7:30 बज रहा था, तो सोचा कुछ यहाँ से लेकर जाए। यहाँ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ मैं जब भी आती हूँ यहाँ से मतलब फास्ट फूड वगैरह मैं लेकर ही जाती हूँ, तो यहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर जो कि हलाल फूड होता है। और यहाँ साथ में ना एक बाज़ार भी लगा हुआ था, तो मैंने अपना ये ड्राई फिश ना लेने के लिए आ गई थी, तो यहाँ थोड़ा मैंने यहाँ से लिया। और उसके बाद ना हम घर के लिए रवाना हो गए थे, तो जाते टाइम ना मैं ले गई थी यहाँ से फ्राइड राइस और चिकन फ्राइड राइस और चिकन चाउमीन। तो यही था आज का वीडियो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।